सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर एक नया मुद्दा लेके आए, एक ऐसा मुद्दा जो अगर सफल हो गया तो देश के भाग्य को बदल देगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो भारत का किसान और पूरा भारत उसके दंश को शायद लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। आपने हाल के दौर में सुना होगा ज़ीरो बजट खेती, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, JBNF। JBNF का कंसेप्ट अब की बजट जब आया था तो निर्मला सीतारमण अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया और ठीक उसके 24 घंटे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी इसको लेके कुछ बातें कही गई थी। लेकिन हाल के दौर में आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा होगा मोदी जी ने तमाम विश्व फोरम से देश में और हर भाषण में अपने इस ज़ीरो बजट फार्मिंग का जिक्र किया है। अभी आपने देखा होगा यूएन बॉडी का एक कन्वेंशन हुआ जो कि कम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थल जो जमीन बन रही है उसको लेके जो उसके उस कन्वेंशन के सिग्नेटरीज देश थे उनको लेके COP14 इसका नाम रखा गया, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, और ये कह के COP14 इसका नाम रखा गया और ये यूएन बॉडी है और जो कन्वेंशन साइन हुआ था उसमें तमाम देश हैं, उसकी मीटिंग हुई थी ग्रेटर नोएडा में, प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था और वहाँ भी ये जिक्र किया कि देश में हम लोग ज़ीरो बजट फार्मिंग ला रहे हैं। हम आज आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मोदी जी का दिमाग बहुत फर्टाइल है। अभी तक आपने सुना होगा खेती में रासायनिक खाद का बैलेंस प्रयोग वगैरह वगैरह, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक दौर चला, अब ये सारी रिजेक्ट हो गई हैं और ये ज़ीरो बजट फार्मिंग आई है। इसके पीछे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बड़ा बिल्कुल नया है और सिद्धांत ये है बैक टू बेसिक्स, और निर्मला सीतारमण ने इसको कहा भी कि हम बैक टू बेसिक्स में जा रहे हैं और जो हमने 2000 साल पहले, पिछले 400 साल पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो खेती का हमारा फॉर्मेट था हम उसी पे वापस जाएंगे। सुनने में भी अच्छा लगता है और इसका जो कंसेप्ट है इसको इकोनॉमिक सर्वे में भारत के जो अभी आया बजट के एक दिन पहले उसमें भी उसकी चर्चा हुई। दुनिया में इसको वैस जैक्सन नाम के एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसकी इजाद की थी और उन्होंने करंज एक अनाज होता है उस पर किया था। हालांकि दुनिया में ये पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हुआ और ये फॉर्म चला नहीं, और करीब 70-90 साल से करें, उनका कहना है कि कम से कम इसको 100 साल लगेंगे इसको इसकी मकबूलियत आने में और लोग प्रयोग करें इसको आने में, ये वैस जैक्सन ने कहा था। अब की बार जो इकोनॉमिक सर्वे निकला उसमें इन्हीं के एक कथन से शुरू किया गया है, प्रकृति में सर्वाधिक संधारणीय पारिस्थितिकी सस्टेनेबल इकोलॉजी विद्यमान है, और चूंकि अंततोगत्वा कृषि प्रकृति से ही जन्म लेती है अतः एक धारणीय पृथ्वी के लिए हमारा मानक स्वयं पृथ्वी की पारिस्थितिकी ही होनी चाहिए। मतलब हम जो नेचर से के अगेंस्ट ना जाके, नेचर चूंकि धारण करती है सभी चीज़ों को और एग्रीकल्चर उसी का प्रोडक्ट है, उसी का फंक्शन है, लिहाजा हम जो खेती करें वो इस तरह की हो कि वो नेचर के साथ जेल करे और संधारणीय पारिस्थितिकी विद्वान है, ये एश्योरेंस दिया कि सस्टेनेबल इकोलॉजी है, हम उसके साथ मिलके चलें। इसको भारत में लगभग परफेक्ट किया सुभाष पालेकर ने
जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, कर्नाटक के कुछ जगहों पर भी ये चल रहा है। इससे पूरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें आपको कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालना है, और ये जिस सिद्धांत पे बना है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी रिजेक्ट कर दी जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। रासायनिक खाद तो डालना ही नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना है। अब ये कैसे करेंगे? इनका पूरा जो सिद्धांत है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, इसमें किसी भी प्लांट के सस्टेनेंस के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हम उसके लिए अलग से खर्च क्यों करते हैं, उसको सीधा ले लें। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी नमी और एयर चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और यहाँ तक कि नाइट्रोजन तो 85% हवा में नाइट्रोजन होता है, तो उनका कहना है कि 98.8% जो न्यूट्रिएंट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, लिहाजा आप उसको ले लीजिए, सीधे हवा से लीजिए। आप क्यों इसके लिए खाद बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सिंचाई के लिए पेस्टिसाइड रोग के लिए करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए क्यों करते हैं आप ये? तो इसका उन्होंने कंसेप्ट ये है। अब उसमें किया क्या है, कैसे ये मुमकिन होगा? तो उन्होंने कहा है कि बीज भी हम हाइब्रिड नहीं लेंगे। ये जो पुराना आपका करीब 50-60 साल से चल रहा है, जो भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा एक वो है, बेस है, हाइब्रिड सीड्स, उसको भी उन्होंने खारिज किया है। सीड्स भी हमारे ओरिजिनल होंगे, यहीं के संपदा होंगे, यहीं से बनेंगे, और इसी बीज से हम खेती करेंगे। जहाँ तक इसका सवाल है कैसे करेंगे, तो इन्होंने इसके लिए चार बातें बताई हैं, जो JBNF का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है, जीवामृत, ये माइक्रोबियल कल्चर है। ये कह रहे हैं कि आप इसको अंदर ही डेवलप कीजिए, माइक्रोब्स अंदर ही डेवलप कीजिए। चूंकि 98% फ्री मिल रहा है, तो जो 2% चाहिए उसके लिए आप रूट्स जो हैं उनको सॉयल से लेना होता है, उसके लिए हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया जीवामृत, ये माइक्रोबियल कल्चर है, बीजामृत, ये सीड ट्रीटमेंट है, और मल्चिंग ये तीसरा है, और चौथा है वाफ्सा, वाटर प्लांट में नहीं देना है, उसके पूरे एरिया में नहीं देना है, बल्कि उसके बाहर देना है, ताकि नमी रहे लेकिन पूरी ना रहे, ताकि राइट बैलेंस टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर का हो, ये उसका कंसेप्ट है। और बीज शोधन कैसे करेंगे आप? अग्नियास्त्र इन्होंने बताया, ब्रह्मास्त्र बताया, और इसके साथ नीमास्त्र बताया। और उन्होंने ये कहा कि साहब, देसी गाय का गोबर, उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिलाएं, गाय का गोबर और गौमूत्र मिला के उसमें गुड़ डालें, उसमें थोड़ा चना डालें, और ये करके एक वो बनाएं, घोल बनाएं, और इस घोल को अगर आप छिड़केंगे तो ये जीवामृत को डेवलप करेगा। सीड ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? तो नीम, जो कि नेचर में मिलता है, नीम के पत्ते बहुत मिलते हैं, तो नीम को वो करके पीस के और उसको काट के नीम के साथ बीज को जब ट्रीट करेंगे तो ये आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा। और जहाँ तक गोबर का सवाल है, शर्त एक ही है कि ये गोबर आपके देसी गाय का होना चाहिए। आप जानते हैं कि देसी गाय में दूध बहुत कम होता है, देसी गाय अव्वल तो दूध नहीं देती है, दूसरा ये है कि देसी गाय, हर आदमी गाय पालता नहीं। भारत में जो टोटल दूध होता है उसका 62% भैंस से आता है, बहुत थोड़ा सा करीब 28-30% गाय का होता है, और बाकी आपके बकरी वगैरह वगैरह बाकी साधनों से होता है। लिहाजा गाय
किसान अभी तक तो नहीं रखता है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र इसका मूल है, इसी से आप घोल बना के डालें और कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ तक कि कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये कुछ भी नहीं डालना है। मतलब कि रिवर्स कर दिया है प्रोसेस को, और भारत सरकार इसको, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह इसको कह रहे हैं और शायद इसके लिए बजट भी मुकर्रर हो रहा है। लेकिन आपको अब दूसरा पक्ष इसका बताते हैं। अभी हाल के दौर में भारत सरकार की ही एक संस्था है और बहुत मकबूल संस्था है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करता है, उस सरकार ने, उस संस्था ने करीब 75 जो देश के चुनिंदा साइंटिस्ट हैं उन्होंने यह बताया है कि साहब ये बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये टेस्टेड नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, इम्पीरिकल एविडेंसेस नहीं है। और ये कौन लोग थे? और ये भारत सरकार की संस्था है। इसमें आप ताजुब करेंगे कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के चेयरमैन भी इसके मेंबर होते हैं, और जो प्लानिंग कमीशन के एग्रीकल्चर देखते हैं रमेश चंद, वो भी इसके मेंबर हैं। और उस मीटिंग में वो जो गोष्ठी हुई थी उसमें वो भी बैठे थे, और तब उन्होंने कहा कि सारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब ये बिल्कुल सफल नहीं होगा, ये बेहद गलत है, कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, कृपया इसे ना करें। और ये प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रतिवेदन भेजा है, अपनी स्टडी करके इन्होंने भेजा है, बताया कि बहुत बड़ा खतरा है, गलती से भी अगर आप इस तरफ चले गए तो देश की कृषि का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये उन्होंने लॉजिक दिया, क्या कि ये जो कितना आसानी से कह दिया गया कि साहब देश में सब कुछ फ्री है, पर्यावरण में सब कुछ मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, जी हाँ 85% नाइट्रोजन है एयर में, लेकिन उसको कंज्यूमेबल, प्लांट के लिए यूजेबल बनाने के लिए हवा से नहीं लिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो आपके या तो अमोनिया के फॉर्म में होगा या यूरिया के फॉर्म में होगा। हम भी जानते हैं कि प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, लेकिन क्या मानव को मिल पाता है? तो वो उन्होंने काफी हंसी की इस पे, कहा कि ये कौन सा कंसेप्ट ला रहे हैं कि 85% नाइट्रोजन है, लियाजा फ्री है, वो मिल ही जाएगा, नाइट्रोजन फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है, लेकिन ये यूजेबल नहीं होता, प्लांट वर्दी नहीं होता जब तक कि इसको आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, और वो केमिकल प्रोसेस से होता है कि आपने उसके लिए नेफ्था लिया, यूरिया बनाया या नाइट्रोजन बनाया, नाइट्रोजन के तमाम फॉर्म्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बनाया, डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं आप, जिसमें फॉस्फेट भी डालते हैं डाई अमोनिया के साथ, तो ये केमिकल प्रोसेस से ही हो सकता है, लिहाजा रासायनिक खाद का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है। अगर नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए तो उसको हर हालत में केमिकल प्रोसेस से ही लेना पड़ेगा। और ये कौन वैज्ञानिक हैं? पंजाब सिंह, जो खुद ICAR के चेयरमैन रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और दुनिया में इस समय शायद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में स्वामीनाथन और पंजाब सिंह ये दो माने जाते हैं अपने अपने उसमें ज्ञान के क्षेत्र में। और इनकी सदारत में इस मीटिंग में भारत सरकार के नुमाइंदे बैठे थे, वो भी शीर्ष नुमाइंदे बैठे थे, वहाँ पे उन्होंने इस खतरे से आगाह किया है। क्या केंद्र सरकार को बस इसी बात पे कि जीवामृत, विषामृत, बीजामृत, कुछ अमृत अमृत कह के कहा गया है, क्या इसको इम्पीरिकल एविडेंस इसके कलेक्ट किए गए हैं? और कलेक्ट किए गए तो कहाँ है वो रिपोर्ट जिसमें कि कहा गया है कि नेचुरल फार्मिंग होगी, जीरो बजट होगा, और जीरो बजट से सब कुछ सही हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई आप स्कीम अनाउंस करते हैं तो बराए मेहरबानी उसका एम्पिरिकल एविडेंस तो ले ले। आपने प्लास्टिक अनाउंस किया, आपके पास एक फैक्ट्री नहीं है जो प्लास्टिक का सप्लीमेंट दे पाए, अल्टरनेटिव दे पाए, अभी तक नहीं आई है, और रोज करोड़ों पैकेट दूध के आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में, आपके पास एक नहीं है। उसी तरह आपने एक स्कीम तो बता दी,
क्या ये स्कीम कारगर होगी? बहुत अच्छा होगा अगर कारगर हो जाए, लेकिन आज सरकार से अगर पूछा जाए कि आपके पास एम्पिरिकल डाटा कौन से हैं जो ये बता रहे हैं कि साहब जीरो बजट खेती से कोई खर्चा नहीं करेंगे आप, गाय के मूत्र और गोबर से पूरा बीज शोधन भी कर देंगे, पेस्टिसाइड गया, रासायनिक खाद गया, कहीं आपने इसको वाकई किसानों को बता दिया? आपकी बात बहुत सुनी जाती है, तो अगर आपने ये बता दिया और किसान इस पे चला गया तो बेचारा 86% किसान भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिसमें 77% स्मॉल फार्मर है जिसके पास एक हेक्टेयर जमीन है, एक हेक्टेयर से कम है। एक हेक्टेयर जमीन वाला फार्मर गलती से अगर इस पे चला गया और उसका अनाज नहीं हुआ तो जो भूखों मरेगा, जो आत्महत्या करेगा, उसका मुझे नहीं मालूम है कि जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए पॉलिसी बने अच्छा होगा। लेकिन अब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए खारिज कर दी कि साहब बहुत महंगा पड़ रहा है, चावल 150 रुपये है, जो चावल 40-50 रुपये मिलता है ऑर्गेनिक के नाम पे 150 रुपये, आलू 150 रुपये किलो है, आजकल दूध 150 रुपये मिल रहा है, गाय का दूध लेंगे अगर आप, घी 2,500 रुपये किलो मिल रहा है उस गाय का, मजाक हो रहा है इस देश में। तो कम से कम एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी पॉलिसी की वर्ल्ड के फोरम से आपने अनाउंस कर दिया है, दुनिया हंस रही होगी, क्योंकि इसके पहले जब आपने देखा होगा कि यह प्रयोग हुआ जिसका आपने कोट किया है, वेस जैक्सन ने जब किया था और यह करीब 50 साल किया है, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि भाई तो फेल हो रहा है बहुत ज्यादा इसका, नहीं बोले कि इसको एडॉप्ट करने में भाई 200 साल लगेंगे, कम से कम 100 साल तो इसको एडॉप्ट करने में लगेंगे ही। आप ये अचानक जब एग्रीकल्चर क्राइसिस में फंसा हुआ है तो आप एक नया योजना ला रहे हैं, नई योजना ला रहे हैं, और वो क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, कितना देखने में अपील करता है, JNBF। लेकिन क्या ये वाकई एम्पिरिकल जांच इसकी हो चुकी है? कहीं ये नोटबंदी तो साबित नहीं होगा, कहीं ये प्लास्टिक तो नहीं साबित होगा, और कहीं ये किसान को फर्दर डिस्ट्रेस में तो नहीं ले जाएगा? आपको बता दें, इस देश का पिछले 25 साल से लगातार हर 37 मिनट पे किसान आत्महत्या कर रहा है, लगातार 35 साल से हर 37 मिनट पे किसान आत्महत्या करता है, और हर रोज 2,055 किसान खेती छोड़ देता है, और ये 25 साल से हो रहा है, तो किसानों का डिस्ट्रेस छुपा नहीं। इसलिए कोई भी अगर आप स्कीम देते हैं तो बराए मेहरबानी उसको पूरी तरह जांच पर रख लें। और ये जो 75 साइंटिस्ट और देश के मकबूल साइंटिस्ट जिन्होंने इस देश का भाग्य बनाया है, एग्रीकल्चर को बदला है, स्वामीनाथन आपके पास एक हीरा जैसे हैं, आपने उनसे पूछा होता, अब आपने ये किया क्यों? जीरो बजट फार्मिंग कह के आप शायद ये बताना चाहते हैं कि देखिए 2022 तक ना किसान को हम आय दूनी कर देंगे, कैसे होगा, कोई खर्चा ही नहीं हो रहा खेती में। सिर्फ ये दबाव जो आपका है, वादा तो आपने कर लिया कि 22 तक किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, दूनी की जगह वो कम होती जा रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ता है। आप ही ने अपने इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि फर्टिलाइजर के बैलेंस्ड यूज के ना होने की वजह से अब जब फर्टिलाइजर किसान डाल रहा तो उसकी उपज कम हो रही, मतलब अगर 10 रुपए का अगर डाल रहा है खाद तो उसकी आय जो हो रही वो 4 रुपए बढ़ रही है, मतलब अब नुकसान कर रहा है खाद डालना। तो आप इस पे वर्क करते बजाय इसके नया एक कुछ एक ला दिया, और इसमें 75 साइंटिस्ट जब कह रहे हैं आपके नुमाइंदों को बैठा के, और खुद ये इंस्टीट्यूट सरकार की है NAAS नास, नास के मकबूल प्रेसिडेंट पंजाब सिंह ने और तमाम 75 जो साइंटिस्ट बैठे थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ये ना करिए, ये बहुत नुकसान करेगा। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे, देश के किसान समझ गए होंगे कि जब तक इसके एम्पिरिकल एविडेंस ना आए कि हाँ ये खेती वाकई सस्टेन करती है, इस पे ना जाएं। और मेरे ख्याल से मेरा ये सरकार से आग्रह रहेगा कि कम से कम खेती का ये प्रयोग जो है वो गरीब किसानों पे ना किया जाए, बल्कि इसके बाकायदे जमीन धरातल पर सब कुछ देखने के बाद ही इसको पब्लिक पॉलिसी बनाया जाए। आज के लिए इतना ही।
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।